हेलो एवरीवन वेलकम टू नेक्स स्टडी तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 नवंबर के करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन आई पी पी बी पार्टनर्द विद लाइफ इंडिया टू लॉन्च एंड दी ऑप्शन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड द राइट right आंसर इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज कोलेबरेटेड विद पी एन बी मेट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दिस स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ कवर ऑफ रुपीज टू लैख ऑन मेंबर ड्यू टू एनी रीजन आई पी पी बी के एम डी एन सी ओ जे वेंकटराम राम है इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्टेब्लिशमेंट दो हजार अठारह में हुई है इनकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार पी एन बी मेट लाइफ के एम डी एन सी ओ आशीष कुमार श्रीवास्तव है जिनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इनकी टैगलाइन है मिलकर लाइफ आगे बढ़ाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग फॉर्म्स पैनल हेडेड बाय होम टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ वर्जिन हाइपर लूप इन इंडिया एंड द राइट आंसर इज वी के सरास्वत इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं इनका ऑब्जेक्टिव है द कमेटी विल लुक इन टू टेक्नोलॉजिकल कमर्शियल फाइनेंशियल वायेबिलिटी एंड असेस द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेश रिक्वायड टू प्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी अदर मेंबर्स आर रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वी के यादव डॉक्टर जी सतीश रेड्डी चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मंगू सिंह दिल्ली मेट्रोज मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रामपाल राव डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली Hyperloop is a next-gen travel system which uses pods or capsules traveling at high speed using magnetic levitation. Niti AYUK's chief executive officer Amitabh Kant, and headquarters New Delhi. So the next question is: India successfully test-fired the land-attack version of which missile from Andaman and Nicobar Island recently? So the options are Surya, K missile family, Shaurya, or Brahmos, and the right answer is Brahmos. The range of the land attack version of BrahMos supersonic cruise missile has been extended to 400 km from the original 290 km. It is a surface to surface supersonic cruise missile. So the next question is name the senior congress leader and rajya sabha mp passed away at 71 recently. The options are Lal Mohan Ghosh, M G Ranade, Ahmed Patel or none of the above. And the right answer is Ahmed Patel. He was a senior leader of INC party and the Rajya Sabha member of Parliament from Gujarat. Passed away at the age of 71 at Medanta Hospital, Delhi, due to complication from COVID-19. So the next question is: Awas Diwas is celebrated annually on the options are November 27, November 21, November 20, or November 24. And the right answer is November 20. Awas Diwas is celebrated to commemorate the launch of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin.

So the next question is what is the name of dam proposed by India on Kabul River? The options are Dhal Dam, Khazki Dam, Mulberry Dam or Grishak Dam. And the right answer is Mulberry Dam. So the next question is recently who launched digital online human resource management system? The options are Ministry of Finance, Indian Navy, Indian Air Force or Indian Rail. And the right answer is Indian Rail.

क्वेश्चन इज हु इज दी एम ऑफ पंजाब द ऑप्शन भूपेश बघेल अमरिंदर सिंह अशोक गहलोत और कौन संगमा एंड द राइट आंसर इज अमर सिंह पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट ट्वेंटी टू हैं और पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनूर द लास्ट क्वेश्चन इज बिर मोती बाग नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द ऑप्शन राजस्थान गुजरात पंजाब और हरियाणा द राइट आंसर इज पंजाब। थैंक यू आज के लिए बस इतना ही